हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 45 है, जो कि इस सीरीज का और इस पूरे कोर्स का लास्ट लेसन है। इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है दी ऑपरेशन सिस्टम। सो जो ऑपरेशन सिस्टम आपके सामने मौजूद है, इसमें इनपुट है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट आता है। सो इनपुट के अंदर लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, कैपिटल होता है, इक्विपमेंट होता है, मटेरियल होता है और इन्फॉर्मेशन होती है। इन तमाम चीज़ों का इनपुट होता है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इनपुट को लेकर ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उससे फिर आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। सो प्रोडक्टिविटी क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट के जरिए ही हमें आउटपुट मिलता है। जब प्रोडक्टिविटी होती है तो हमें इनपुट के जरिए ही आउटपुट मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा है। हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगी कि वहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट से ज़्यादा हो। सो ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सिनर्जी होगी, सिनर्जी की वजह से आउटपुट ज़्यादा होगा। सो प्रोडक्टिविटी क्यों मैटर करती है और प्रोडक्टिविटी की डिफरेंट काइंड है, तो देखते हैं कि क्यों मैटर करती है। सो हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो उससे लो कॉस्ट होगी, लो प्राइसेस होंगे, मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। सो ये फ़ायदा है ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होने का। उसके बाद अब काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की भी काइंड्स हैं। एक तो है पार्शियल प्रोडक्टिविटी। सो पार्शियल प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि जो आउटपुट आता है वो सिंगल काइंड ऑफ इनपुट से आता है। इनपुट जो होता है वो सिंगल काइंड, एक तरीके का इनपुट होता है, जबकि मल्टी फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी होती है। इसके अलावा उसमें जो है क्या होता है, वेरिएबल्स ऑफ इनपुट्स होते हैं, जैसे कि लेबर भी है, कैपिटल भी है, मटेरियल्स भी है, एनर्जी भी है, कई सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट मौजूद है और उससे फिर आउटपुट आ रहा होता है। सो पार्शियल प्रोडक्टिविटी और मल्टी फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी। सो नाउ द क्वालिटी। सो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं, क्वालिटी रिलेटेड प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक, क्वालिटी रिलेटेड सर्विस करेक्टरिस्टिक्स। सो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटी की सर्विस में और प्रोडक्ट में, और टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टोटल क्वालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगी, और सिस्टम ऑफ क्वालिटी है, और इंटरनेशनल कुछ अवार्ड्स भी होते हैं। उसके बाद अभी मीनिंग फॉर क्वालिटी। सो क्वालिटी का मतलब असल में क्या है? एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो डेफिशिएंसी से फ्री हो, फ्री ऑफ डेफिशिएंसी हो, यानी कि 100% ट्रू हो एक तरह से। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स, वो करेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो सेटिस्फाई करे कस्टमर की नीड को, उसकी नीड को पूरा करे। अब आपके सामने क्वालिटी रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स, इसमें है रेटर, ये एब्रीवेशन है रिलायबिलिटी की। इसमें रिलायबिलिटी, टेंजिबल रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस और एम्पैथी, ये इसकी एब्रीवेशन है रेटर। सो रिलायबिलिटी का मतलब तुरंत, एक्चुअली रिलायबल, एक्चुअली यानी कि रिलायबल। सो रिलायबिलिटी का मतलब ये कि हाउ रिलायबल आर योर प्रोडक्ट और सर्विस, कितनी रिलायबल है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, या कितने रिलायबल आप हैं। और टी से टेंजिबल, टेंजिबल से मुराद फिजिकल, कोई चीज़ जो कि फिजिकल, कोई चीज़ फिजिकल दी जाए, टेंजिबल से मुराद फिजिकल से मुराद वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, उसको हम टेंजिबल कहते हैं। और आर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि हाउ क्विकली इज द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कितना क्विक है। और ए अश्योरेंस, यानी कि अश्योरिटी दी जाए, श्योर किया जाए कि ये डिलीवर्ड होगी। और एम्पैथी, ई से एम्पैथी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, दूसरों को सुना जाए। सो नाउ द ISO 9000, ये जो है सीरीज है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, और ISO 9000 से लेकर 9004 तक है। ये सर्टिफाई क्वालिटी प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब ये कि सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी मौजूद है इस ISO होने का मतलब। अगर किस किस कोई कंपनी ISO क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है एक्चुअली, सो उसका मतलब ये कि उसने अचीव किया है सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी, और वो सर्टिफाई क्वालिटी प्रोसेस यूज़ कर रही है। और कस्टमर भी आजकल जो है वो डिमांड कर रहा है, उसकी जो डिमांड में इजाफा हो रहा है ISO 9000 सर्टिफिकेशन के अंदर, कस्टमर भी डिमांड कर रहा है। अब आपके सामने जो है वो HR प्रोसेस दिखाया जा रहा है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस, HRM प्रोसेस।
इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, इसमें रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, और आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन होती है कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की, जो कॉम्पिटेंसी रखते हैं। इसके अलावा डी रिक्रूटमेंट भी होती है, और एम्प्लॉय की फिर ओरिएंटेशन भी होती है, उनकी ट्रेनिंग भी होती है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, करियर डेवलपमेंट होती है, और इसके अलावा कंपनसेशन और बेनिफिट्स होते हैं। सो ये चीज़ें आप में से खासतौर पे उन लोगों के लिए हैं जो HRM की तरफ जाना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अलग से कोर्स भी है और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी होता है, इसके अंदर मास्टर और इवन के आगे PhD तक इसके अंदर होता है। उसके बाद अभी जॉब एनालिसिस एंड HRM। सो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एनालिसिस जो है, ये जो है HR सब सिस्टम के अंदर में आते हैं। उसके बाद है फिर वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सो वैल्यू क्या है? वैल्यू जो है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वैल्यू चेन से मुराद ये जो है होल सीरीज होती है एक्टिविटीज़ की, जो कि क्रिएट करते हैं और बिल्ड करते हैं वैल्यू एवरी स्टेप के ऊपर, और फिर है वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सो वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है मैनेज करने का इंटायर सीक्वेंस जो है एक्टिविटीज़ का। सो गोल क्या है वैल्यू चेन मैनेजमेंट का? जो जब बेटर कोलेबरेशन होगी चेन पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, तो उससे बेटर कस्टमर सोल्यूशन होगा। अब आपके सामने है मैनेजिंग चेंज। तो यहाँ पर इंटरनल चेंज फैक्टर्स, आपको दरमियान में ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ इंटरनल चेंज फैक्टर्स हैं और एक तरफ एक्सटर्नल चेंज फैक्टर्स। सो चेंज के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो चेंज जो है वो ज़रूरी होता है। सो थ्री स्टेप्स का ये प्रोसेस है। सबसे पहले क्या किया जाए? सिचुएशन को अनफ्रीज किया जाए, फिर चेंज किया जाए, और उसके बाद फिर रीफ्रीज कर दिया जाए। सो ये है प्रोसेस, और यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर नहीं बताई जा रही ज़्यादा। तो ये हुआ लेसन नंबर 45 यहाँ पर कंप्लीट, जो कि लास्ट लेसन था, और इसके बाद ये पूरा कोर्स भी हुआ कंप्लीट यहाँ पर, और इसमें आपको मेन पॉइंट्स करवाए गए। आपको अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और इन वीडियोस के अंदर अगर आपको कोई मिस्टेक्स भी दिखाई दें उसको भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इसके अलावा और भी बहुत से दूसरे कोर्सेस हैं जिनकी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं इस चैनल के ऊपर, और बहुत से ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, और चैनल्स इस चैनल के ऊपर कई सारे और कोर्सेज भी इसी तरह अपलोड होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।